अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाइथन फंडामेंटल सीरीज़ के पार्ट 8 के साथ मैं हाज़िर हूँ। पिछले पार्ट में हमने स्ट्रिंग्स के बारे में सीखा था कि पाइथन में स्ट्रिंग्स की मैनिपुलेशन किस तरह होती है, स्ट्रिंग्स किस तरह एक्सेस किए जाते हैं। इस पार्ट में हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग सीख रहे हैं कि पाइथन में एक्सेप्शनल हैंडलिंग किस तरह होती है। दूसरी लैंग्वेज की तरह पाइथन में भी एक्सेप्शन हैंडलिंग की फैसिलिटी मौजूद है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होती है कि आपके मुख्तलिफ आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, आपके उसके मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ वैलिड हो सकती हैं, कुछ इनवैलिड हो सकती हैं। तो जब तक वैलिड होती हैं तो आपका प्रोग्राम चलता है, इनवैलिड होती हैं तो वो एरर जनरेट करता है, आपका प्रोग्राम हॉल्ट हो जाता है। तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग में आप ये करते हैं कि जो जो पॉसिबल सोल्यूशन, जो जो पॉसिबल एरर जनरेट हो सकते हैं, वो आप अपने कोड ब्लॉक में उसको मैनेज करते हैं। और फिर कोई इंस्टेड ऑफ कि प्रोग्राम पूरा हॉल्ट हो जाए और बाहर आ जाए प्रोग्राम आपका, आप उस पर एक्सेप्शन को हैंडल करने के बाद उसका मैसेज दिखाते हैं, और फिर उस ग्रेसफुली उसके मैसेज दिखाने के बाद रिजॉल्व करने के बाद, रिजॉल्व तो नहीं, ग्रेसफुली मैसेज दिखाने के बाद आप अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। तो ये था एक्सेप्शनल हैंडलिंग का थोड़ा सा खुलासा। अब देखते हैं पाइथन में एक्सेप्शनल हैंडलिंग किस तरह होती है। बड़ी सिंपल सी मैं दो एग्जाम्पल्स में लेने जा रहा हूँ। पहली एग्जांपल कि एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरह होती है, दूसरी कि आप ख़ुद एक्सेप्शन किस तरह रेस कर सकते हैं, आप एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज से थ्रो का यूज है, किस तरह आप थ्रो कर सकते हैं। तो पहला मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसका मैंने रख दिया, उसमें वैल्यू पास कर दी 2। और पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई यूज़ होता है और लैंग्वेज में यूज़ होता है। कॉलन किया, यहाँ पर एक्सेप्ट पास किया, एक्सेप्शन एस ई एक्स एक्सेप्शन का वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने एक्सेप्शन को वेरिएबल को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने एक और वेरिएबल लिया ए इज इक्वल टू, इसको हटाओ पहले, ए इज इक्वल टू 4 divided by 0, ठीक है। इसको मैंने रन किया, इसे डिवीजन बाय ज़ीरो का एरर दे दिया। सबसे पहले देखते हैं कि एक चीज़ देख मैं बताना भूल गया, अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग ना करें तो किस तरह एरर प्रिंट होगा। अज्यूम कि ये मेरा है स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको मैं हटा देता हूँ और ये मैं इसको रन करता हूँ, ये इसने एक्सेप्शन जनरेट कर दिया कि ए 4 divided by 0 है, 0 डिवीजन एरर, और ये प्रोग्राम हॉल्ट होकर बाहर आ गया। ये अच्छा नहीं लग रहा, कोई हो सकता है और मैं मिसाल के तौर पर प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ये मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहीं पे ये हॉल्ट हो गया पहली लाइन पे, ठीक है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग करते हैं। और अब मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहूँ हाई, तो इसको प्रिंट करना चाहिए, ओके सॉरी ये मैं बता मिटाना भूल गया, यूँ हुआ। अब इसने एक्सेप्शन का एरर भी प्रिंट कर दिया, एरर बता रहा है कि एक्सेप्शन एरर आया है, और ये नेक्स्ट लाइन पे भी चला गया, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे भी चला गया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि एक्सेप्शन क्यों ज़रूरी है। तो ये तो हो गया सिंपल एक्सेप्शन। अब एक और देखते हैं कि ये तो बिल्ट इन एक्सेप्शन थी, एक्सेप्शन हैंडल हुए कि 4 divided by 0 है, सिस्टम ने जनरेट कर दिया, एक्सेप्शन थ्रो कर दी। लेकिन आप कोई अपना कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें अपना ख़ुद एक्सेप्शन रेस करना चाह रहे हैं या उसको थ्रो करना चाह रहे हैं, उसका तरीका क्या है? अच्छा, उसका सवाल होगा कि क्यों भाई ऐसा क्यों करेंगे कि हम खुद ही थ्रो करें, ये तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसी बात होती है। ये अज्यूम करें कि आप एक प्रोग्रामर हैं और आप एक लाइब्रेरी लिख रहे हैं, आप API लिख रहे हैं जो दूसरे डेवलपर्स यूज़ करेंगे। आप अज्यूम करें कि आप API लिख रहे हैं और उसमें आप एरर इस तरह आपके थ्रो हों जिसको वो प्रोग्राम ही होल्ड कर दें, तो आपकी API तो पहली दफ़ा ही फ्लॉप हो जाएगी और लोग गालियाँ देकर आपकी चीज़ जो लाइब्रेरी है उसको ना सिर्फ डिलीट कर देंगे बल्कि उसको फीडबैक भी उसका नेगेटिव देंगे। तो ऐसे सूरत में ये होता है कि आपकी लाइब्रेरी है वो बिल्कुल एरर प्रूफ हो, फुल प्रूफ हो, उसमें अगर एरर जनरेट भी हो तो उसके मीनिंगफुल मैसेजेस भी हों और वो प्रोग्राम को हॉल्ट ना करें। क्योंकि इसलिए प्रोग्राम हॉल्ट करने का मकसद ये है कि आपका एक बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा है, उसमें आप किसी कोई बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा है, लेट्स से कि CRM चल रहा है, और आपकी लाइब्रेरी जो है कॉन्टैक्ट्स को फैच करती है Gmail से और दूसरे वेब एड्रेसेस से। अगर आपने एक्सेप्शन हैंडल नहीं की, अगर पूरा सिस्टम चल रहा है और उस खुदा के बंदे ने बेचारे ने अपना आपकी लाइब्रेरी यूज़ कर ली और उसने फिर एक्सेप्शन थ्रो कर दी, वो तो फिर गालियाँ देगा आपको और कुछ नहीं करेगा।
तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए होता है कि आप अपने कोड ब्लॉक को एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, मैनेज करते हैं उसको, कि इन केस अगर एरर जनरेट भी हो तो आपकी लाइब्रेरी मेन प्रोग्राम को ना हॉल्ट करे। ठीक है, ये तो हमने सीखा कि एक्सेप्शन किस तरह जनरेट होती है। अब थ्रो करने का तरीका बता दूं आपको कि लेट्स से कि मैंने वेरिएबल लिया आई इज इक्वल टू 5, सही है, अगेन मैंने ट्राई कैच लिया, ट्राई किया, एक्सेप्ट किया एक्सेप्शन एस ई एक्स, सही है। और मैं कह रहा हूँ इफ आई लेस देन 10, रेस करो एक्स, रेस दूसरी लैंग्वेजेस में थ्रो का कीवर्ड यूज होता है, इसमें रेस का यूज होता है, रेस करो एक्सेप्शन ऑफ टाइप एक्सेप्शन और मैसेज दे दें इट वॉज लेस देन 10, फाइन। और यहाँ पे आप इसको कैच कर लो, सही है, इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है जी। अब इसको रन किया, इसने एक्सेप्शन थ्रो कर दी कि इट वॉज लेस देन 10। मैं एक और भी प्रिंट कर दूँ, ऑल इज वेल, सही है, ये इसने की जनरेट और ये इस लाइन पे नहीं गया। लेट से कि ये 53 किया, इसने ऑल इज़ वेल प्रिंट कर दिया। ठीक है भाई, तो ये इस तरह एक्सेप्शन आपकी जनरेट होती है। अच्छा ये तो हो गया, एक मैं और चीज़ बताना भूल गया कि फाइनली एक होता है इसमें फाइनल का कीवर्ड। फाइनल ब्लॉक ये करता है कि चाहे आपकी एक्सेप्शन रेज हो या नॉर्मल आपका कोड ब्लॉक चले, तो उस सूरत में वो फाइनल की कॉल हर हाल में कॉल होगी, फाइनल जो है हर हाल, फाइनल कोड ब्लॉक हर हाल में एग्जीक्यूट हो गई होगा। अभी तो ये है कि आपका कोड चला, इसे एक्सेप्शनल प्रिंट कर दिया, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ उसको फाइनली किया और मैंने किया दैट्स ऑल फॉक्स, ठीक है, एरर किया और ये एग्जीक्यूट करें। फाइनल ये जो हिस्सा है, फाइनल के अंदर जो भी कॉल आप, जो भी आप स्टेटमेंट कॉल करेंगे या जो भी फंक्शन कॉल करेंगे, वो हर हाल में कॉल होगा ही होगा। अच्छा, फाइनल क्यों ज़रूरी होता है, फाइनल की ज़रूरत क्या है, सवाल ये, बात सवाल ये है कि फाइनल की ज़रूरत इसलिए होती है कि लेट से कि आप एक फंक्शन लिख रहे हैं जो कि डेटाबेस हैंडलिंग कर रहा है, डेटाबेस से डेटा उठा रहा है, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर रहा है, वॉट एवर, आपने डेटाबेस वो सारा तमाम काम कर दिया। लेट से कि वो किसी ऐसे आपकी क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकी और वो फट गई, एक्सेप्शन हैंड एक्सेप्शन जनरेट हुई और वो बाहर आ गया। अब ये होगा आपका प्रोग्राम तो हॉल्ट हो गया, लेकिन उसने जो कनेक्शन बनाया था सीक्वल सर्वर पे, वो कनेक्शन अभी अलाइव है और वो थोड़ा जब भी टाइम आउट होगा उसका 30 मिनट, 5 मिनट, वॉट एवर, उसके बाद ही जाके वो उसको रिलीज़ करेगा। अब एज्यूम करें आपका प्रोग्राम जो है वो 10,000 कनेक्शंस बने हुए, 10,000 कनेक्शन इस प्रोग्राम आपका हॉल्ट हो जाए और 10,000 कनेक्शन इस तरह बीच में हैंगिंग स्टेट, डैंगलिंग स्टेट में रह जाएं, तो फिर क्या होगा उसका? तो सर्वर या तो वो बिल्कुल जवाब दे जाएगा, वो उसकी मौत हो जाएगी, अल्लाह मियाँ को प्यारा हो जाएगा वो। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि आप क्या करेंगे कि आपने ट्राई के अंदर आपने अपनी क्यूरीज वगैरह जो भी है, इंसर्शन अपडेशन जो भी किया, और फाइनल के अंदर आपने डेटाबेस की क्लोज कॉल कर दी, यानी कनेक्शन की क्लोज कॉल कर दी, कि चाहे एक्सेप्शन आए, नॉर्मल रहे, एक्सेप्शन आए, कुछ भी हो, कनेक्शन क्लोज होना ही होना है क्योंकि ये फाइनल की क्लोज हर हाल में एग्जीक्यूट होती है। तो अगर इवन के ये आया तब भी क्लोज होगी, नॉर्मल चला तो तब भी क्लोज होगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये मैंने आपको बेसिक्स, वेरी बेसिक्स में बताया है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरह होती है। बट इसमें आप मल्टीपल कोड ब्लॉक्स भी हो सकते हैं कि आपकी एक एक एक्सेप्शन है उसके अंदर मल्टीपल एक्सेप्शन कोड ब्लॉक कर रहे हैं, और एक्सेप्शन जनरल, ये जो मैंने एक्सेप्शन की यहाँ पे एग्जांपल दी, ये जनरल एक्सेप्शन है और ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप जनरल एक्सेप्शन करें। कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो जिस तरह कोड लिख रहे हैं आपकी उसी तरह के एक्सेप्शन डील करें। फॉर इंस्टेंस आप फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं तो आईओ एरर की एक्सेप्शन होती है, पाइथन में दिखाता हूँ किस किस किस्म की एक्सेप्शन होती है, एक्सेप्शन है, फाइल और आईओ है, ठीक है, वैल्यू एरर टाइप की एक्सेप्शन है, बहुत सारी हैं, कनेक्शन है शायद मेरे ख्याल में, कनेक्शन एरर है, बहुत सारी हैं, कीबोर्ड भी है, यस कीबोर्ड इंटरप्ट किया, जैसे कीबोर्ड मैंने किसी ने कंट्रोल सी कॉल्ड, कंट्रोल सी का बटन दबाया कैंसिल करना चाह रहा है, तो आप चाह रहे हैं कोई बहुत ही इंटेंसिव काम हो रहा है, आप चाहते हैं मेक श्योर के ग्रेसफुली आपका वो जो
काम हो, एग्जिट हो, तो आपने कीबोर्ड इंटरप्ट पे आपने वो चीज़ कॉल कर ली, इस तरह चीज़ें होती हैं। तो ये तो था ये तो था आज का एक्सेप्शन हैंडलिंग, पाइथन में किस तरह एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। उम्मीद आपको पसंद आया होगा, और आपने अब तक जितने भी प्रोग्राम अब तक मैंने आपको थोड़े छोटे मोटे प्रोग्राम सिखाए हैं उसमें उसी में आप इसको एक्सेप्शंस को हैंडलिंग करें, फंक्शंस को हैंडल करें, फंक्शंस के अंदर करें, नॉन फंक्शंस में करें, और तो और ये प्रैक्टिस शुरू से ही बना लें कि आपका प्रोग्राम जो होगा उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग होगी। उम्मीद आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया इसको लाइक करें, और अगर पहली दफ़ा आप मेरे चैनल पर आएँ तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, और कोई भी कमेंट और फीडबैक हो वो आप कमेंट्स में देना मत भूलें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।